सुसंगता में यदि हम देखें तो कुछ ऐसे व्रणों के बारे में बताया गया है जो कुछ व्याधियों के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ये व्रण चिकित्सा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। इन व्याधियों में कुछ व्याधियाँ मूत्र संस्थान से संबंधित हैं, कुछ व्याधि लोकल स्थानीय जो रोग हैं उनसे संबंधित हैं, कुछ ऐसी व्याधियाँ हैं जिनमें कि अल्सर में कृमि पड़ गए हैं, या कुछ ऐसी व्याधियाँ होती हैं जो मुख के अंदर दांत निकालने के बाद मसूड़ों की सूजन से उत्पन्न होते हैं। इन व्याधियों की संख्या गिनाते समय उन्होंने बताया है कि ऐसे रोग पैराफाइमोसिस, फाइमोसिस, रेक्टल स्टेनोसिस, गैस्ट्रिक अल्सर, अल्सरेटेड ग्लैंड्स, राइनाइटिस, कफज ज्वर, त्वक दोष या डायबिटीज के कारण, अथवा डेंटल टार्टार, क्रिस्टल यूरिया, स्टेनोसिस, रिटेंशन ऑफ यूरिन, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी इत्यादि के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं और ये व्रण चिकित्सा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते। आचार्य सुश्रुत ने आगे ऐसे व्रणों के बारे में बताया है जो कि चिकित्सा की दृष्टि से असाध्य अथवा इनक्योरेबल बोल सकते हैं। ये व्रण आज के हिसाब से मेलिग्नेंट अल्सर की श्रेणी में रखे जा सकते हैं, अथवा ऐसे व्रण जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उन व्रणों को भी हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। इन व्रणों के वर्णन करते समय आचार्य ने बताया है कि जो व्रण मांस पिड वद उद्गता प्रसेकिनो अंतःपूयो वेदनावंतो अश्वपान बुद वद उत्तोष्ठा, तात्पर्य यह हुआ कि जो व्रण मांसपिंडों से भरे हुए हैं और उनसे मांसपिंड बाहर निकले हुए हैं, अथवा रोल्ड आउट अल्सर इनको बोल सकते हैं, अथवा ऐसे व्रण जो भीतर पूरी तरह पूय से भरे हुए हैं, अथवा जो देखने में अश्व यानी घोड़े की गुदा के समान बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं, ऐसे व्रण या केचिद कठना गौश्रंगवद उद्गता समुद्र मांस प्ररोहा, जैसे गाय का श्रृंग या हॉर्न होता है वैसे बाहर निकले हुए। फिर कुछ ऐसे व्रण बताए गए हैं कि जिनसे कॉन्टामिनेटेड रक्त अथवा पूय का डिस्चार्ज होता हो, अथवा जो भीतर सेंटर से ज़्यादा ऊपर की तरफ उठे हुए हों, अथवा ऐसे व्रण जिनके अंदर क्षण तूलवत स्नायु जालवंतो दुर्दर्शना, अर्थात देखने में जो बहुत ज़्यादा अच्छे ना लगते हों दुर्दर्शन इनको बोला गया है, और जिनमें लिगामेंट्स टेंडन्स वेसल्स इत्यादि का जाल फैला हुआ है, नेटवर्क फैला हुआ जो बाहर से दिखाई देता है, और ऐसे व्रण जिनमें से वसा मेद मज्जा और मस्तुलंग अर्थात ब्रेन मैटर सीरस डिस्चार्ज फैटी डिस्चार्ज दिखाई दे निकलता हो बाहर, देखने में वो व्रण भी कठिन या असाध्य श्रेणी में माने गए हैं। ऐसे व्रण जो एब्डोमिनल कैविटी से संबंधित हैं और उनसे पीताशित मूत्र पुरीष वात वाहिनिश्च अर्थात यूरिन स्टूल और एयर बाहर निकल रही हो, अथवा ऐसे व्रण जो चारों तरफ से एयर बबल कहिए या मस्कुलर बबल्स के द्वारा भरे हुए हों, डेबिलिटेड पर्सन के अंदर से व्रण हों, ऐसे व्रणों को भी सुश्रुत ने असाध्य श्रेणी में रखा गया है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से व्रण हैं जो कि जिनमें सांसारिक लक्षण अरुचि है, अविपाक है, और यानी कहना चाहिए एनोरेक्सिया बिल्कुल है, भूख नहीं लगती है, ऐसे अथवा स्क्रेनियल कैविटी के व्रण सिर कपालो भिन्ने, ऐसे व्रणों को भी असाध्य श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा त्रिदोष यानी तीनों दोष के अतिरिक्त ऐसे व्रण जो कि कास श्वास आदि और ऐसे उपद्रवों से युक्त हैं, इन व्रणों को भी सुश्रुत ने असाध्य श्रेणी में गिना हुआ है।